जहाँ मुझे सौ डेढ़ सौ रुपए में सिलाई करनी पड़ती थी बच्चों को कोचिंग कराना पड़ता था आज मैं महीने का लाखों कमा रही हूँ पर मंथ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने कमाया जो कहते थे कि तुझसे शादी कौन करेगा आज वही लोग मुझसे कहते हैं कि तेरे लिए तो अब लड़कों की लाइन लग जाएगी बहुत शर्म आती थी नालिया साफ करने में ऐसा कुछ तो करना है कि जो आज मेरी मम्मी दूसरों से मांगने जाती है वो कभी मांग ना पाए तो मैंने दो 20 में अपना YouTube चैनल ओपन करा बट मैंने उसमें कोई वीडियोस नहीं डाली मैंने कम से कम ये अंदाजा लगाया था कि मेरे जनवरी 2023 में वन के यानी हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे दो से लेके तीन मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे आप गरीब पैदा हुए हो कोई बात नहीं बट जो ये कहानी है वो आपको गरीब मरने नहीं देगी तो ये कहानी है एक 19 साल की लड़की की जिस लड़की ने नालियां साफ करके अपने कॉलेज की फीस भरी जिसकी माँ दूसरों के घर से मांग कर अपने बच्चों का पूरा करती थी जिसके घर में खिड़की दरवाजे तक नहीं थे और कैसे उसकी लाइफ में एक दिन सोशल मीडिया आया इंटरनेट आया और उसने उसकी जिंदगी को बदल के रख दिया कहाँ वो महीने का सौ दो सौ रुपए कमाती थी और आज वो महीने का लाखों कमाकर अपने घर की जिम्मेदारियों को उठा रही है मेरा नाम सलोनी चंद है मैं उत्तराखंड देवभूमि के खटीमा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं जो ऐसा गांव है शायद उधर अभी तक इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है वहां सड़कें भी इतनी ख़राब हैं इंटरनेट भी इतना स्लो है और अभी तक आप यकीन नहीं मानेंगे घर भी ऐसे हैं अभी तक बहुत से लोग हैं जो हमारे आस पड़ोस में हैं वो झोपड़ी वाले घरों में रह रहे हैं ऐसे लोग भी हैं जो दिन में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को अपना गुजारा करते हैं तो मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जो एक मिडिल क्लास भी नहीं एक पुअर फैमिली है जहाँ मेरे पापा पहले जॉब करते थे बट अचानक से बीच में इतनी हालत खराब हो गई उनकी कि शायद एक टाइम तो ऐसा हो गया था कि उनका बचना मुश्किल था जब मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो हम मेरे जब ट्वेल्थ में मेरे फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे तो मेरे जो नाना जी हैं उनने थोड़ा सपोर्ट किया पहले तो मेरी मम्मी ने हमारे जितने रिश्तेदार थे उनसे मांगा कि आपके पास अगर थोड़ा पैसा है मेरी बेटी की फ़ीस भरनी है आप दे सकते हैं तो दे दीजिए बट हमारे रिश्तेदारों ने उस टाइम हमें सपोर्ट नहीं करा क्योंकि उन्हें पता था कि इसकी मम्मी अब इसके पापा तो जॉब करते नहीं है इसकी मम्मी हमें लौटा नहीं पाएगी पैसे फिर जैसे तैसे मैंने बारह पास किया मैं एक लड़की हूँ तो मेरा बाहर जाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमार, हम इस एरिया से बिलोंग करते हैं कि लड़की का जॉब करना थोड़ा अजीब माना जाता है पर मैंने फिर भी कोशिश करी थी बहुत जगह जॉब्स की बट नहीं हो पाया हमारे गांव में मनरेगा जो रोजगार होता है वो चलता है तो मैंने उसमें भी काम किया है हमें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता था बीच में थोड़ा लंच होता था उसमें हमें दो सौ दस रुपए मिलते थे पर डे के उसमें हमें नालियां साफ करनी पड़ती थी रोडों में लोग जाते थे बहुत शर्म आती थी नालियां साफ करने में बट उस मैं अपने घर वालों का मेरा भाई अभी छोटा है मुझसे अभी टेंथ में पढ़ता है उसका मुंह देखना पड़ता था अपनी मम्मी का मुंह देखना पड़ता था क्योंकि हमारे पास खाने के लिए भी कभी कभी ऐसा हो जाता था कि नमक खत्म हो जाता था कभी मिर्च खत्म हो जाती थी कभी तेल खत्म हो जाता था तो मम्मी पड़ोसियों के पास जाती थी कि आपके पास अगर थोड़ा सा है तो दे दीजिए इतने पैसे भी नहीं हो पाते थे कभी कभी हमारे पास कि हम खुद एफोर्ड कर सकें खाने की चीजें नॉर्मली हमने इतने मुश्किल से ये दिन काटे आज मैं एक अच्छी खासी अपनी लाइफ जी रही हूँ मैं पढ़ाई में अच्छी थी लोगों को पता था ये बीएससी जरूर लेगी पर घटकी कंडीशन इतनी खराब थी मैंने बी ए लिया तो एक दिन मेरी क्लासमेट ही थी मेरी दोस्त उसका मैसेज मैंने मैंने नहीं तू मजाक कर रही है छोटी है ये सो करके तो उसने मुझसे कहा कि एक तो तेरी हाइट छोटी है ऊपर से तू पतली है अगर तू बीए करेगी तो तुझसे शादी भी कौन करेगा तुझे कौन अपना हम बनाएगा बट आज मैं इस स्टेज में हूँ कि लोग जो कहते थे कि तुझसे शादी कौन करेगा आज वही लोग मुझसे कहते हैं कि तेरे लिए तो अब लड़कों की लाइन लग जाएगी आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने शादियों में जाना तक छोड़ दिया था कि लोग मुझे ताना मारते हैं मैं शादियों में नहीं जाऊंगी मैं दुकानों में सामान लेने नहीं जाती थी क्योंकि जो दुकानों में लोग बैठे रहते थे वो भी मुझसे यही चीज बार बार कहते थे तो मैं बहुत होपलेस हो गई थी एक टाइम पे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिर गया था मेरा फिर मैंने एक दिन सोचा कि नहीं गरीब पैदा तो हो गए हैं बट कभी गरीब मरना नहीं है ऐसा लाइफ में कुछ करना है जिन्होंने आज मुझे ताने दिए हैं जो आज मेरे को गा गालियां देते हैं वो मेरे लिए तालियां बजाए मेरा नालियों से गालियों से तालियों तक का सफर करना है मुझे ये तय करना है ये मैंने मन में सोच लिया था फिर मैंने सिलाई सीखी मैंने सिलाई करी मैं एक सौ दस रुपये में सूट सिला करती थी ऐसा नहीं होता था कि रोज़ कपड़े आ रहे हैं सिलने के लिए महीने में एक आध आते थे तो सोच लीजिए आप सौ दो सौ रुपये बन पाते थे मेरे फिर मैंने बोला कोई बात नहीं यहाँ हार नहीं मानते कुछ और ट्राई करते हैं फिर मैंने बच्चों को कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने डेढ़ सौ रुपये में कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया बट वो भी लोगों को ज़्यादा लगता था फिर मैंने बोला ऐसा कुछ तो करना है कि

बीस में अपना यूट्यूब चैनल ओपन करा बट मैंने उसमें कोई वीडियोस नहीं डाली फिर मैंने सेप्टेम्बर 2022 से वीडियोस डालना स्टार्ट करा तो मैंने कम से कम ये अंदाजा लगाया था कि मेरे जनवरी 2023 में वन के यानी हजार सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे बट मेरे न्यू ईयर में कम से कम दो से लेके तीन मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे और आज की डेट में जो आज आप वीडियो देख रहे हैं आज हमारे चैनल में फोर मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि इसने इतने जल्दी फोर से फाइव मंथ के बीच में ही इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कैसे कर लिए बहुत इजी रहा होगा ये लक होगा इसका किस्मत होगी बट ऐसा नहीं है इसके पीछे भी मेरी इतनी मेहनत रही है इतना स्ट्रगल रहा है आप लोगों को मैं बताऊंगी मैं जब हमारे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हुआ करते थे बाहर बाहर का शोर आता था बच्चे इतना हल्ला करते थे गाड़ियां जा रही आ रही जा रही हैं इतना शोर होता था इतना हल्ला होता था फिर मैंने सोचा नहीं इस चीज में तो नहीं रुक सकते फिर मैंने अलमारी के पीछे और अलमारी के अंदर मुंह डाल के भी रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया कि बाहर की नॉइस मेरे मोबाइल में ना आए मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं तो आवाज ना आए और मेरे इसके पीछे बहुत रिसर्च भी रही है मैंने कम से कम एक से डेढ़ महीना रिसर्च किया कि कैसे वीडियोस अपलोड करें क्या टाइटलर रखना चाहिए ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो और बहुत से लोग इस बीच मुझे ताना भी देते थे हाँ थोड़े दिन का है तेरा थोड़े दिन वीडियोस बनाएगी फिर थोड़ा फिर बंद कर देगी चैनल सब ऐसा ही करते हैं चैनल तो सब स्टार्ट कर लेते हैं बट आखिर तक कोई नहीं पहुंच पाता है ऐसा मुझे ताना भी बहुत से लोग मारा करते थे तो यूट्यूब ने मेरी जिंदगी को ऐसा बदल दिया इत, मतलब मानिए इतना बदल दिया है कि जहाँ मुझे सौ डेढ़ सौ रुपये में सिलाई करनी पड़ती थी बच्चों को कोचिंग कराना पड़ता था आज मैं महीने का लाखों कमा रही हूँ और मैंने हाल ही में एक गाड़ी भी परचेस करी है पहले हमारे घर में खिड़की दरवाजे नहीं हुआ करते थे आज मैंने अपने घर की सारी लगभग सारी कमियों को पूरा कर दिया है पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है जो रिश्तेदार मुझे पहले ताना मारा करते थे मेरी मम्मी को भी ताना मारा करते थे आज वही लोग कहते हैं आओ हमारे घर में बैठो कभी तो आओ अब तो आप बड़े हो गए हो बड़े लोग हो गए हो हमारे घर भी आओ इस टाइप का रवैया चेंज हो गया है आज की डेट में अगर मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स कहीं जाते हैं तो कहते हैं हाँ जो यूट्यूबर है सलोनी ये सलोनी की मम्मी है और अगर कोई हमारे घर से गुजर भी रहा होता है तो वो ऐसे देखते हैं कि हाँ वो जो यूट्यूबर है उन्हीं का घर है ये कि झांक झांक के देखते हैं हमारे घर को तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने ड्रीम को अचीव कर लिया है आज मेरे पेरेंट्स उनको भी ये लगता है कि जो जिसको हमने लड़की को जन्म दिया वो लड़कों से भी बड़ा काम कर रही है मुझे अपने घर का बड़ा बेटा कहा जाता है आज मुझे भी बहुत खुशी होती है और मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश रहते हैं कि हर जगह कोई भी मिल जाए तो कहते हैं बधाई हो आपके दिन सुधर गए तो बहुत अच्छा लगता है शायद अब मुझे कितने भी रुपए मिल जाएं शायद मैं कितना भी कमा लू करोड़ों कमा लू बट जो मेरा पहली कमाई थी वो मेरी लाखों करोड़ों जितनी थी शायद मेरे पापा ने कभी अपने पर मंथ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैंने कमाया और जिनकी वीडियोस देख के मैं सीखा करती थी कि वीडियोस कैसे बनाने हैं वीडियोस कैसे अपलोड करनी है मैंने उन सर के साथ भी अपना पॉडकास्ट किया यह भी मेरा बहुत प्राउड मोमेंट रहा कि किसी सेलिब्रिटी के साथ मेरा पॉडकास्ट हो रहा है तो ये था मेरा नालियों से गालियों से तालियों तक का सफर उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनकर अपने सपनों को उड़ान देने का हौसला मिला होगा धन्यवाद इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें